and you will be enjoying your holidays also. Now it's our English next lesson, class 4, Oxford Progressive English. Our book name is Oxford Progressive English, and today our unit number 1, lesson number 3, and topic name is reading, diving for prayer. Reading, diving for prayer. Read the story and answer the questions. First, what are Dave and Jack looking for and what do they find? Answer of these questions are in this reading. So first of all, we will start our reading. Now look at the picture carefully. There are two characters in the picture. One is Dave and the other one is Jack. Okay, look at the first. I have found something. Come and look. Jack and Dave are looking for a sunken ship on the seabed. These two persons are Dave and Jack. Dave is looking at the seabed below the boat on the aqua screen. This is Dave in green shirt. He said, I found something. Come and look. मैंने कुछ ढूंढा है या मुझे कुछ मिला है. कम, आओ, एंड लुक, और देखो. नाउ डेव इज, नाउ जैक इज सेइंग, इट लुक्स लाइक अ शिप. ये तो एक शिप नजर आ रहा है. इट लुक्स लाइक अ शिप, ये एक शिप की तरह नजर आ रहा है. जैक एंड डेव आर लुकिंग फॉर अ संकन शिप. जैक और डेव जो हैं आर लुकिंग, देख रहे हैं, फॉर अ संकन शिप, संकन एक डूबती हुई शिप, जहाज को. ऑन द सी बेड, समुद्री फर्श पर. डेव इज लुकिंग एट द सी बेड बिलो द बोट. डेव कैसे देख रहा है? डेव इज लुकिंग, डेव देख रहा है, एट द सी बेड, समुद्री फर्श पर. बिलो द बोट, कश्ती के नीचे. ऑन द एक्वा स्क्रीन, लुक एट दिस, एक्वा स्क्रीन पे वो देख रहा है. आपको भी नजर आ रहा है कि एक्वा स्क्रीन पर एक बोट नजर आ, एक शिप नजर आ रही है जो कि डूबा हुआ है. नजर आ रहा है कि एक्वा स्क्रीन पर एक बोट नजर आ, एक शिप नजर आ रही है जो कि डूबा हुआ है. अब समंदर के अंदर उनको कैसे नजर आ रहा है? व्हाट इज एक्वा? एक्वा जो है इसके मीनिंग होते हैं टकरा के वापस आना, साउंड का. लेकिन यहाँ पे ये जो आपको मशीन नजर आ, स्क्रीन नजर आ रही है, इस स्क्रीन में उनको समंदर के अंदर से उसका रिफ्लेक्ट नजर आ रहा है, अक्स नजर आ रहा है बाहर, कि ये समंदर के अंदर जो है क्या सिचुएशन है. तो इस एक्वा स्क्रीन में उनको नजर आ रहा है कि समंदर में हमारी कश्ती के नीचे, समंदर की तह में एक शिप जो है, एक जहाज जो है वो डूबा हुआ है. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. इट्स 80 मीटर्स बिलो द सरफेस. सरफेस सतह, ये सतह से तकरीबन 80 मीटर नीचे है. सो आई विल पुट ऑन द हैवी डाइविंग सूट. इसलिए मैंने भारी, हैवी, भारी डाइविंग सूट. डाइविंग सूट का मतलब होता है डाइव, होता लगाना. डाइविंग सूट जब हम तैराकी करते हैं, होता लगाते हैं, समंदर के अंदर जाने के लिए एक खास ड्रेस होता है जिसको पहन के जाते हैं, उसको डाइविंग सूट कहते हैं. सो आई विल पुट ऑन द हैवी डाइविंग सूट. इसलिए मैंने भारी डाइविंग सूट जो है उसको पहन लिया है. नाउ Dave is asking, how long can you stay down at 80 meters? तुम 80 मीटर नीचे कितना रह सकते हो? About 40 minutes, I think. तो इसको Jack reply कर रहा है कि तकरीबन 40 मिनट तक, I think, मेरा ख्याल है. Jack gets ready to dive. Jack is ready to dive. Jack is in black dress. Now look at the picture number 3. You can see now he is diving and Jack dives into the water. Jack जो है वो नीचे पानी में गोता लगा रहा है. He goes down to the seabed. वो नीचे समुद्री फर्श पर जा रहा है.
ही गेट्स हिज एयर फ्रॉम द बोट, वो कश्ती से अपनी एयर यानी ऑक्सीजन जो है वो ले रहा है थ्रू एन एयरलाइन, एयरलाइन के जरिए. ही कैन ऑल्सो स्पीक थ्रू द फोन लाइन, वो फोन लाइन के थ्रू जो है वो बोल भी रहा है. ठीक है. कैन यू सी द शिप, जो डेव है वो जैक से पूछ रहा है कैन यू सी द शिप, कि क्या तुम्हें जहाज नजर आया है. नाउ जैक इज रिप्लाइंग येस आई एम गेटिंग क्लोजर टू इट, नाउ मैं अब इसके करीब जा रहा हूँ. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर, पिक्चर नंबर 4. कीप टॉकिंग जैक, वेयर आर यू नाउ. डेव जो है वो जैक से कह रहा है कीप टॉकिंग, कह रहा है कीप टॉकिंग यानी बोलना जारी रखो, बातें जारी रखो. जैक, वेयर आर यू नाउ, तुम अब कहाँ पे हो. आई एम गोइंग इनसाइड द शिप नाउ, अब जैक उसको रिप्लाई कर रहा है आई एम गोइंग इनसाइड द शिप नाउ, कि मैं जा रहा हूँ. ये स्टोर जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ये सेंटेंस है. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. इनसाइड द शिप नाउ, जहाज के अंदर. इट्स वेरी डार्क, यहाँ बहुत अंधेरा है. जैक गोज इनसाइड द शिप्स कैबिन, जैक जो है वो शिप कैबिन, कैबिन कमरा, ठीक है, शिप के यानी कमरे के अंदर जो है वो जा रहा है. देयर आर लॉट्स ऑफ बॉक्सेस, देयर आर, नाउ लुक एट पिक्चर नंबर 4-5. देयर आर लॉट्स ऑफ बॉक्सेस, आई एम ओपनिंग वन ऑफ द बॉक्स नाउ, यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस हैं. आई एम ओपनिंग वन ऑफ द बॉक्सेस नाउ, उन बॉक्सेस में से एक को मैं खोल रहा हूँ. दिस इज अमेजिंग, ये हैरान कन है. गोल्ड प्लेट्स एंड सिल्वर कप्स, गोल्ड प्लेट्स सोने की प्लेटें एंड सिल्वर कप्स और चांदी के कप्स हैं. आई वंडर दैट एल्स इज डाउन हेयर, मैं इनको यहाँ नीचे देखकर हैरान हूँ. जैक गोज इनटू द शिप्स कैबिन, जैक जहाज के कमरे में गया. देयर आर लॉट्स ऑफ बॉक्सेस, यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस हैं. ही स्टार्ट्स ओपनिंग देम, उसने उनको खोलना शुरू किया. Now look at the picture number 6. आप सिचुएशन पिक्चर में देख रहे हैं कि उसने वो बॉक्सेस खोल रहा है. वो आई एम ओपनिंग वन ऑफ द कबर्ड्स नाउ, अब यहाँ पे वो एक और कबर्ड खोल रहा है और बता रहा है आई एम ओपनिंग, मैं खोल रहा हूँ वन ऑफ द कबर्ड्स नाउ में से एक कबर्ड को. अब जैक फील समथिंग ऑन द बैक ऑफ हिज नेक, अब इस पिक्चर नंबर 6 में जैक को आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैक को फील हो रहा है कि कुछ है उसकी बैक पे ना, उसकी नेक पे कुछ है. ठीक है. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर, यस पिक्चर नंबर 7. ओह गेट ऑफ मी, मुझे छोड़ो. गुडनेस, यू आर स्ट्रांग, तुम बहुत मजबूत हो. आह लंच, ये कौन कह रहा है कि लंच. ऑक्टोपस, अब बिग ऑक्टोपस जो है वो उसने पकड़ रखा है जैक को बैक साइड से और वो ऑक्टोपस हैप्पी हो रहा है, हैप्पी फील कर रहा है कि उसको इतना अच्छा लंच मिल गया है. जैक फाइट्स विद द जेंट ऑक्टोपस, जैक जो है वो लड़ रहा है जेंट ऑक्टोपस, एक बहुत बड़े ऑक्टोपस से. आई वॉन्ट टू पुल ऑफ हिज मास्क, इट वॉन्ट, ऑक्टोपस जो है इट वॉन्ट्स, वो क्या चाहता था, टू पुल ऑफ हिज मास्क, कि वो उसका मास्क उतार दे. जैक हैज टू इट्स लेग्स अवे, जैक ने उसे अपनी टांगे जो हैं, जैक हैज टू पुल इट्स लेग्स अवे, उसकी जो टांगे हैं उनको हटाया. नंबर 8, पिक्चर नंबर 8 है. अब वेयर आर द बॉक्सेस, हु इज आस्किंग. डेव जो है वो क्योंकि बाहर वेट कर रहा था इसलिए वो अब जैक से पूछ रहे हैं वेयर आर द बॉक्सेस, बॉक्सेस कहाँ हैं. अब वो उसको रिप्लाई कर रहा है आई वॉज इन द फाइट, कि मैं लड़ाई में था, बट आई वॉन, लेकिन मैं जीत गया. अब डेव उससे पूछे सो व्हाट हैपेंड, तो क्या हुआ टू द अदर चैप, दूसरे चैप के साथ यानी दूसरे चैंपियन के साथ क्या हुआ. हाफ एन आवर लेटर, यहाँ क्या हुआ था कि जब आधे घंटे के बाद जैक अराइव्स बैक एट द सरफेस, जब सतह पर जैक वापस आया. ही हैज लेफ्ट ऑल द बॉक्सेस ऑन द सी बेड, तो उसने सारे बॉक्सेस जो हैं वो समुद्री फर्श पर छोड़ दिए. बट ही इज सेव, लेकिन वो खुद महफूज रहा क्योंकि उसने अपनी जान बचाई थी ना ऑक्टोपस से, तो वो बॉक्सेस जो हैं उनको वो वहीं पे छोड़ के वापस आ गया था. अब आपने इस
जो स्टोरी अभी हमने रीड आउट की है, इसकी रीडिंग को आपने 2 दफ़ा सुनना है। सुनने के बाद आपने खुद इस स्टोरी की रीडिंग करनी है पिक्चर्स को देख के। तो इसकी जितनी एक्सरसाइजेज हैं वो आप उसके बाद आफ्टर रीडिंग दिस लेसन यू कैन ईजीली कंप्लीट दीज ब्लैंक्स एंड यू कैन राइट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज नंबर 2 इन विच पिक्चर। इट मीन्स कि आपने ये जो क्वेश्चंस हैं इनको देखें कि किस पिक्चर में कौन सी सिचुएशन है, और उस पिक्चर का आप नंबर्स सब पे मेंशन है तो वो नंबर आप उसका यहाँ पे लिखेंगे आगे। लाइक फर्स्ट इज डू डेव एंड जैक फर्स्ट फाइंड द शिप। कहाँ पहले सबसे पहले शिप, कौन सी पिक्चर में आपको लगा कि शिप जो है डेव एंड जैक ने शिप को देखा, कौन सी पिक्चर थी? फर्स्ट पिक्चर थी हमारी बुक के ये जो पिक्चर नंबर 1 है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या था, आई फाउंड समथिंग कम एंड लुक, यहाँ पे उनको शिप मिला था इसलिए पिक्चर नंबर 1 है फर्स्ट। ओके नेक्स्ट है डज जैक फाइंड द ट्रेयर, क्या जैक को जो है खजाना मिला था, जो जैक को खजाना किस पिक्चर में आपको लगा कि मिला था? इन पिक्चर नंबर 5, पिक्चर नंबर 5 में उसने बताया था देर आर लॉट्स ऑफ बॉक्सेस, आई एम ओपनिंग वन ऑफ द बॉक्सेस नाउ, दिस इज अमेजिंग गोल्ड प्लेट्स एंड सिल्वर कप्स, आई वंडर दैट एल्स इज डाउन हियर। सो राइट पिक्चर नंबर 5। फिफ्थ नेक्स्ट डज जैक मीट द ऑक्टोपस, के जैक जो है 5। फिफ्थ नेक्स्ट डज जैक मीट द ऑक्टोपस, के जैक जो है कहाँ पे ऑक्टोपस को मिला था? इन पिक्चर नंबर 6, क्योंकि वहीं पे उसको फील हुआ था कि यहाँ पे उसको फील हुआ था कि उसको एक गर्दन पे कुछ है। डज जैक टॉक अबाउट द फाइट, के किस पिक्चर में वो अपनी फाइटिंग के बारे में बता रहे हैं? लास्ट पिक्चर व्हेन ही केम बैक, तो उससे डेव ने पूछा था कि वेयर आर द बॉक्सेस, देन ही रिप्लाइड आई वॉज इन द फाइट, कि मैं फाइट में था बट आई वॉन। ओके सो राइट नंबर 8। नाउ लुक एट दिस, रीड द स्टोरी अगेन एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इन सब के आंसर्स आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं, और इसके लिए आपको ये देखें अपनी कॉपी इस तरह से आपने यूनिट नंबर मेंशन करना है, पेजेस 2 to 7 एंड द टॉपिक इज द सी। आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू डेव एंड जैक यूज टू फाइंड द संकन शिप? आंसर इज द यूज एन एक्वास्क्रीन टू फाइंड द संकन शिप। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ फार इज द संकन शिप फ्रॉम द बोट? आंसर इज इट्स अबाउट 80 मीटर्स बिलो। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लॉन्ग डज जैक प्लान टू स्पेंड and on the seabed? Its answer is he plans to spend about 40 minutes on the seabed. Question number 4 is, where does Jack breathe through? He breathed through an airline from the boat. Question number 5, where is it hard to use inside the old ship? It is very dark inside the ship on It is very dark inside the ship, so it is hard to see inside the ship. And please student, आपने जो काम मैंने ब्लैक पॉइंटर से किया है वो आपने ब्लैक पॉइंटर से लिखना है, जो मैंने ब्लू इंक पेन से लिखा है वो आपने भी ब्लू इंक पेन से लिखना है। आपने ब्लैक पॉइंटर यूज करना है क्वेश्चन के लिए, टॉपिक वगैरह के लिए, और क्वेश्चन के लिए ब्लैक पॉइंटर। ओके और आपने ब्लैक मार्कर यूज नहीं करना बिल्कुल भी, और आपने ब्लू इंक पेन यूज करना है, ब्लू पॉइंटर नहीं ब्लू इंक पेन यूज करना है आपने आंसर के लिए। और सेम ऐसे ही आपने लिखना है, डोंट यूज इंक रिमूवर और वाइटर, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल्सो अबाउट योर राइटिंग पैटर्न एंड डोंट राइट आउटसाइड द मार्जिन लाइन ऑल्सो। ओके After completing your homework, please look at the next exercise. Next exercise is complete the sentences with words from the story. Example, Dave and Jack are looking for a sunken ship at the bottom of the sea. First is the old ship is laying on the seabed. S-E-A-B-E-D, seabed. आप खुद भी ये इजीली कर सकते हैं आफ्टर रीडिंग, ठीक है ना।
जैक पुट्स ऑन आ डाइविंग सूट फॉर हिज डाइव। अब ये आपने अपनी लेड पेंसिल से फिल करनी है एक्सरसाइजेस जो बुक पे करनी है, जैसे मैंने की हैं, ठीक है। नंबर 3, जैक फाइंड सम प्रेयर इन द कैबिन ऑफ द शिप, CABIN, कैबिन। नंबर 4, जैक फाइंड सम कप्स एंड प्लेट्स इन सम बॉक्सेस, BOXES, बॉक्सेस। नंबर 5, द ऑक्टोपस इज रेस्टिंग इन अ कबर्ड, CUPBOARD, कबर्ड। नंबर 6, जैक ट्राइज टू कीप द मास्क ऑन हिज फेस ड्यूरिंग द फाइट, मास्क, MASK, मास्क। नंबर 7, इन हिज फाइट विद द ऑक्टोपस, जैक हैज टू पुल अवे इट्स लेग्स, ऑक्टोपस, OCTOPUS। नंबर 8, आफ्टर द फाइट जैक कम्स अप टू द सर्फेस, SURFACE, सर्फेस। अब आपने ये एक्सरसाइज जो है इसको कंप्लीट करना है और अपनी कॉपी पे नीटली अपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद आपने इस अपने लेसन को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, जो आप पहले इसके वर्ड्स मीनिंग सेंटेंसेस कर चुके हैं, इसकी एक्सरसाइजेस, इसके क्वेश्चन आंसर्स, ताकि आपका यूनिट नंबर 1 अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि इसके बाद हमारा इसका लेसन रह गया है 4 और 5, जो हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका ये यूनिट बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।